सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। हमने बहुत बड़े बड़े प्रचार देखे भाजपा के, एक पे ये लिखा था, एक होर्डिंग पे ये लिखा था कि सेना को ओआरओपी का उपहार। ये शब्द उपहार, मैंने सोचा है इसके बारे में और आप भी सोचिए। आप हर जगह इनका प्रचार देखते हैं, इनके प्रचार में ये लिखा है कि सेना के लिए ओआरओपी का ये उपहार दे रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये उपहार है कि अधिकार है? अधिकार है। आप ये मुझे बताएंगे कि ये एहसान है कि हक है? है, हक है। एहसान है कि हक है? है, हक है। तो ये मानसिकता कि जो जनता का अधिकार है, जो जनता का हक है, वो आपको ये सरकार एक उपहार और एक एहसान के तहत दे रही है, ये मानसिकता कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? बहुत हो गया है, आपको स्मार्ट सिटी का उपहार दिया इन्होंने, क्या मिला आपको? कानपुर के नागरिकों, स्मार्ट सिटी हो तो स्मार्ट बन जाओ, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। ये पांच सालों से धोखा का सिलसिला चला रहा है। इनके लक्ष्य, इनके प्रचार, इनके वचन, ये इन्होंने पूरा नहीं किया। इनके लफ्ज पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इनके प्रचार पे आप विश्वास नहीं कर सकते, और इनके वचनों का जो असलियत है ये आप देख चुके हैं। आपको बताया गया था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल ये वचन दिया गया था। आप बताइए, हर साल रोजगार छीने गए हैं लोगों से। जीएसटी और नोटबंदी से आपको मालूम है, आप व्यापारी हो, आप शहर में रहते हो, आपको मालूम है कि जीएसटी और नोटबंदी से किसका नुकसान हुआ। आपको मालूम है कि आपको बताया गया कि आप देशभक्ति कर रहे हैं कतार में खड़े होके, क्योंकि आपको बताया गया कि आप कतार में खड़े होंगे, देश में काला धन वापस आएगा। काला धन वापस नहीं आया, कतार में खड़े रहे आप, नुकसान हुआ आपका। और जो भी इनकी नीतियां हैं, जितनी भी नीतियां हैं, वो इसी तरह की रही हैं। इसमें आपका हित नहीं, सरकार का हित रहा है, कुछ उद्योगपतियों का हित रहा है। आप ही खुद ही देखिए, यहाँ के कितने बड़े बड़े उद्योग होते थे, आप यहाँ से जैकेट बनाते थे, जूते एक्सपोर्ट करते थे। मेरे पति एक्सपोर्टर थे, मुझे याद है 20 साल पहले उनको एक जब जूतों का ऑर्डर मिला, सीधे हम कानपुर आए थे किसी को ढूंढने के लिए। जैकेट आप बनाते थे, बनियान आप बनाते थे, आज क्या स्थिति है? आज आपके उद्योगों की क्या स्थिति है? 5 साल आपको विकास के वादे किए गए थे, आपने विश्वास किया 5 साल पहले, आपको विश्वास, वो आपने विश्वास किया इनमें, और आपको क्या मिला? तो देखिए, बहुत स्पष्ट है, इस देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति सत्ता को अपने पास रखना चाहती है, उसको कोई समझ नहीं है, उस तरह की राजनीति को कोई समझ नहीं है कि जनता के क्या अधिकार है, जनता के क्या हक है, और जनता ही उन पर, उन्हीं को नेता बनाने वाली जनता है। इनको कोई एहसास नहीं है, ये भूल चुके हैं, भूल चुके
सत्ता इनकी है, इनके प्रचार में दिखता है। आप रोज अखबार खोलते हैं, रोज इनका चेहरा दिखता है। आप टीवी देखते हैं, इनका चेहरा दिखता है। जब आपको अपने अधिकार नहीं मिलते, आप अपना हक मांगते हैं, तो क्या नतीजा निकलता है? मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूम रही हूँ, चाहे सरकारी अधिकारी हो जिनको पेंशन नहीं मिल रहा, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे मनरेगा के रोजगार के जो मित्र हैं, चाहे आशा बहुएं हैं, चाहे आंगनवाड़ी हैं, चाहे उद्योग छोटे उद्योगपति हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं, सब एक ही चीज कहते हैं मुझे कि दीदी हमारे हक हैं, हमारा अधिकार है। जब हम मांगते हैं तो हमें पीटा जाता है और हमारी आवाज बंद की जाती है। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज। जो इस देश के शहीद हैं, उन्होंने अपना खून और अपना पसीना किस लिए बहाया? ताकि जनता का राज हो। और जो आज मौजूदा सरकार है, वो सोचती है कि सिर्फ उसी का राज है। वो भूल गए हैं कि जनता के अधिकार, जनता की सेवा करना उनका धर्म है। इतनी बुरी तरह भूल गए कि अपने प्रचार में कह रहे हैं कि आपको उपहार दे रहे हैं, कि आप पे एहसान कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने कई भाषणों में कहा है कि सबसे बड़ी देशभक्ति जनता की जागरूकता होती है। आप जागरूक बन जाओ, क्योंकि बहुत हो गया है ये झूठे प्रचार, ये झूठे वादे, ये झूठे भरोसे कि आप हमें दो और हम आपको देंगे। ये बहुत गलत हो चुका है। राजनेता जो भी है, जिस पार्टी का है, उसे एहसास होना चाहिए कि बनाने वाले आप हो। एहसान आपने किया है हम पर। हम इस गाड़ी पे बैठे हैं, हाथ हिलाते हुए आपको, हमारे बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, ये आपका एहसान है। हम नेता हैं, ये आपका एहसान है। ये आपने हमको उपहार दिया है। देखिए, हर मोड़ पर जो इनकी निंदा करता है, जो आलोचना करता है, जो अपनी आवाज उठाता है, जो अपना हक मांगता है, उसे क्या बताया जाता है कि तुम देशद्रोही हो। मैं तो अध्यापिकाओं से मिली हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि हमारा मानदेय 4 सालों से नहीं मिल रहा है, हमने मांगा और हम पे राष्ट्र सुरक्षा कानून डाला गया, हमें देशद्रोही बोला। और ये कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी है। क्या एक राष्ट्रवादी इंसान, क्या एक राष्ट्रवादी सरकार जनता को की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी कि जब जनता आवाज उठाएगी तो सोचेंगे कि हमें, हमारा सौभाग्य है कि जनता आवाज उठा रही है, कि जनता अपना अधिकार मांग रही है, ये हमारा सौभाग्य है। जो लोकतंत्र को समझता है वो ये बातें समझता है। जो राजनेता सबल होता है, जिसमें शक्ति होती है, जिसमें राजनीतिक शक्ति होती है, वो जनता से नहीं घबराता। वो जनता आवाज उठाती है तो वो डरता नहीं है, वो दबाने की कोशिश नहीं करता। ये सरकार दुर्बल है, दुर्बल सरकार है। ये प्रधानमंत्री एक दुर्बल प्रधानमंत्री है। इनमें कोई आत्मशक्ति नहीं है। देखिए, आप में बहुत विवेक है। मैं मानती हूँ कि जनता में जितना विवेक है किसी में नहीं है, आप में बहुत विवेक है। आप इनकी दुर्बलता को पहचानिए। ये आपके सामने 56 इंच का सीना लेके आते हैं,
की दुर्बल है, क्योंकि लोकतंत्र को दुर्बल बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जनता मजबूत ना बने, जनता सवाल ना उठाए, विपक्षी दल सवाल ना उठाए, आलोचना ना करें। क्यों क्यों? अगर आप में इतनी शक्ति है तो सह लीजिए, तो खुश हो जाइए। देखिए मेरे भाई हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि आप अगर दो जनों को देखें, एक जिसमें सहने की कोई शक्ति नहीं है और दूसरे जिनको रोज रोज गाली देते हैं, ये लोग रोज रोज आलोचना करते हैं, रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, चाहे माँ के बारे में, पिता के बारे में, दादी के बारे में, किसी के बारे में, उनकी, लेकिन सहने की शक्ति मुस्कुरा के वो सहते हैं और खुश भी होते हैं। खुश भी होते हैं जब उनकी कोई निंदा करता है या कोई आलोचना करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उनको चुप होना चाहिए या सोचो कोई तरीका उनको डराने धमकाने का। वो ये सोचते हैं कि क्या कह रहे हैं, मुझे सोचना चाहिए, शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे उसे सुधारना चाहिए। इसे कहते हैं राजनीतिक शक्ति, इसे कहते हैं आत्मविश्वास और आत्मशक्ति। ये दुर्बलता है भाइयों और बहनों, इसको पहचानो। और ये दुर्बलता जो है, अगर आप नहीं पहचानेंगे, इस देश को दुर्बल बनाएगी। इनकी दुर्बलता लोकतंत्र को दुर्बल बनाएगी, इनकी दुर्बलता संस्थाओं को दुर्बल बनाएगी, और वो संस्थाएं, वो लोकतंत्र किसके लिए बनाया गया है? किसी नेता के लिए नहीं। ये संविधान जो अंबेडकर जी ने लिखा था, जिसको बनाने के लिए तमाम शहीदों ने अपना खून दिया, ये किसी सरकार को सत्ता देने के लिए नहीं बना, ये जनता को शक्ति देने के लिए बना था। ये संविधान जब तक मजबूत रहेगा, आप मजबूत रहेंगे। जब तक संस्थाएं मजबूत रहेंगी, आप मजबूत रहेंगे। जब तक ये देश मजबूत रहेगा, आप मजबूत रहेंगे। और इस देश की सबसे बड़ी शक्ति ये जनता है जो मेरे सामने है। ये जनता है, कोई एक इंसान नहीं है, कोई इस देश से बड़ा नहीं है, कोई इतना बड़ा राष्ट्रवादी नहीं है कि वो जनता से बढ़कर बड़ा हो गया है, कोई नहीं है। तो ये सब बातें मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया है, 5 साल जुट चुके हैं आप, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौजवान हैं जिसे रोजगार नहीं मिला, चाहे आप महिला हैं जिसको सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सह लिया है आपने। अब बदलाव लाइए, एक ऐसी सरकार लाइए जिसके नेता समझते हैं कि सत्ता आपकी है, आप देने वाले हैं, आपका एहसान है, आपका उपहार है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, चुनाव आपके सामने है। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी की हूँ जी जान से, और मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए मांगूंगी, लेकिन इस चुनाव में मैं आपसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, मैं देश के लिए मांगने आई हूँ। मैं अपने संविधान के लिए मांगने आई हूँ, मैं लोकतंत्र के लिए मांगने आई हूँ। इनको जीतने मत दीजिए, अगर आप इनको जीतने देंगे, अगर आप इनको आज सबक नहीं सिखाएंगे, तो 5 साल बाद इस देश की जो स्थिति होगी, उसके बारे में आपको दुख होगा, हमको दुख होगा। तो अब आप बताइए प्रियंका जी प्रियंका जी, एक नारा आपके लिए, प्रियंका नहीं ये आनी है, प्रियंका नहीं ये आनी है।
मुझे सर शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं प्रियंका जी, शर्मिंदा नहीं कर रहे, हम आप में इंदिरा जी को देखते हैं। हम लोग आपके साथ इंदिरा जी की तरह, जैसे हमारे माता पिता इंदिरा जी के साथ थे, हम युवा जितने भी हैं हम आपके साथ हैं। देखिए देखिए, आप इंदिरा जी का आदर करते हैं इसलिए आप यहाँ खड़े हैं, और आप में आपके दिल में ये भावना क्यों है? क्यों है? क्योंकि आप सच्चाई को पहचानते हैं। आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने आपके लिए अपनी जान दी, चाहे ये लोग कुछ भी कहें उनके बारे में। आप जानते हैं कि इंदिरा जी की जो राजनीति थी वो सत्य की राजनीति थी, वो सेवा की राजनीति थी। मैंने ये कहा कि मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं क्योंकि मैं इंदिरा जी के सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन सेवा की भावना मेरे दिल में है। जो सेवा की भावना उनके दिल में थी, मेरे दिल में है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।